सब देख रही हैं इस दिन को, आप इतना बड़ा नाम और देवेंद्र जी का पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में। वो तो वैसे ये 5 साल में मुख्यमंत्री था ही, यानी 5 साल में राजनीति में, पिछले 5 साल में भी उसने बहुत अच्छा काम किया है। और वैसे तो वो 21 साल का था जब भी, 21 साल को होके 6 महीने हुए थे जब भी वो पहले बार कारपोरेटर बना, तो उसका तो पूरा जीवन ही राजनीति से शुरू हुआ। और पिछले बार भी वो मुख्यमंत्री बन गया था, अभी इस बार क्या हम आशा रखते हैं कि इस बार भी मुख्यमंत्री बनेगा और अच्छे से सुचारू रूप से महाराष्ट्र का सब काम करेगा। बचपन से कितने जिज्ञासु थे देवेंद्र जी, क्या बताएंगे? जिज्ञासु तो थे, उनके पिताजी की जब मीटिंगें रहती थी तो वो हमेशा रहता, हाजिर रहता था वहाँ, सुनता था इनका क्या चल रहा है, उसको बहुत जिज्ञासा रहती। तो पानी देने के बहाने वो उनके उनके सब में मिलता था। हाँ, लाडली बहनों ने तो दिया ही, वो तो नकार ही नहीं सकते, लेकिन उसका खुद का भी बहुत उसमें शेयर है, ऐसा कुछ नहीं, लाडली बहनों का भी शेयर है। कितना मेहनत से इस चुनाव को उन्होंने देखा था? देखो वो पूरे दिन में 24 घंटे में 2 या 3 घंटे सोते थे बस, और फिर सब बाहर घूमना, घर में मीटिंग्स, ये वो ऐसा सब चलता था। हाँ, वो तो कोई भी माँ बताती है ना कि भाई थोड़ा अपने तरफ भी देखो, तो बोलता था मुझे कुछ नहीं होता, मैं बराबर खुद को संभाल रहा हूँ। आज वो मुख्यमंत्री के रेस में है, वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, एक तरीके से कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा, एक दूसरी बार एक अपना लड़का जब मुख्यमंत्री बनेगा तो कोई भी माँ को तो बहुत ही लगेगा ना। ऐसा पहले जो पापा के साथ में वो रहते थे, जिस चुनाव के उनको जो रुझान मन से जो आता था, पापा के साथ में रहते रहते वो सीखे। हाँ, वो उनके पापा तो बहुत वो दसवीं में थे जब ही चल बसे, लेकिन वो छोटेपन के जो संस्कार है वो उसके ऊपर बहुत सारे हो गए। वो तो 21 साल में वो तो कारपोरेटर बन गया ना बिल्कुल, तो उसके ऊपर वह संस्कार ही हुए थे। और जब भी पहली बार कारपोरेटर बने तभी उसके पिताजी गुजरने को 2 साल हो गए थे। पिछले 7 सालों में देवेंद्र जी ने जो विकास किया, आगे के 5 साल में कैसा विकास रहेगा, कैसे दिया? ये तो मैं नहीं बता सकती विकास के बारे में, लेकिन ये बता सकती हूँ कि वो और बहुत सारा विकास करेगा, ये तो बता सकती हूँ। अब उसकी विकास की क्या ये है तो ये तो मुझे अभी मालूम नहीं कि कौन सी बातों में उसका ख्याल है कि यहाँ यहाँ ये चीज करना है। क्या आपकी कोई इच्छा है कि उन्होंने वो काम करना ही चाहिए मुख्यमंत्री बनने के बाद? नहीं, ऐसा कोई काम वो रखता ही नहीं मेरे लिए, वो सब काम उसके यहाँ रहते हैं, वो बराबर उसके काम चलते रहते। कितना गौरवान्वित मानती हैं आप देवेंद्र जी को? 102%।